The topic we are going to discuss today is cardiac output and its regulation. इसमें हम लोग पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन, इस टॉपिक को हम लोग टोटल छः पार्ट्स में पढ़ेंगे. इंट्रोडक्शन टू कार्डियक आउटपुट, रेगुलेशन ऑफ कार्डियक आउटपुट, मेथड्स टू मेजर कार्डियक आउटपुट, और उसके बाद फिर फ्रीक्वेंटली आज सब्जेक्टिव क्वेश्चंस ऑन दिस टॉपिक, Q&A ऑन द पीजी एंट्रेंस एग्जामिनेशन, क्लिनिकल चैलेंज क्वेश्चन. सो अल्टीमेटली इस पार्ट को हमने तीन पार्ट में डिवाइड किया है, इंट्रोडक्शन टू कार्डियक आउटपुट, रेगुलेशन ऑफ कार्डियक आउटपुट एंड मेथड्स टू मेजर कार्डियक आउटपुट. क्योंकि ये वीडियो लंबा ना हो जाए इस वजह से इसमें हमने सिर्फ दो पार्ट इंक्लूड किया है, दैट इज इंट्रोडक्शन टू कार्डियक आउटपुट एंड रेगुलेशन ऑफ कार्डियक आउटपुट. नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इंक्लूड करेंगे बाकी के चार पॉइंट्स. तो स्टार्ट करते हैं हम लोग इंट्रोडक्शन टू कार्डियक आउटपुट. इंट्रोडक्शन टू कार्डियक आउटपुट में हम लोग पढ़ेंगे कि कार्डियक आउटपुट, सबसे पहले कार्डियक आउटपुट होता क्या है. कार्डियक आउटपुट इट इज द क्वांटिटी ऑफ द ब्लड पम्प्ड इनटू द aorta ईच मिनट बाय द हार्ट. मतलब ब्लड जो कि हार्ट से बाहर निकलता है, जो कि इजेक्ट होता है एक स्ट्रोक में, उसको हम लोग स्ट्रोक वॉल्यूम कहते हैं, और जिस रेट से इजेक्ट होता है पर मिनट उसको हम लोग कार्डियक आउटपुट कहते हैं. इसके बाद आता है वीनस रिटर्न. वीनस रिटर्न क्या होता है, जो भी क्वांटिटी ऑफ द ब्लड, मतलब जो इन्फ्लक्स होता है ब्लड का हार्ट के अंदर, उसको हम लोग वीनस रिटर्न कहते हैं. इट इज द क्वांटिटी ऑफ द ब्लड फ्लोइंग फ्रॉम द वेन्स इनटू द राइट एट्रियम ईच मिनट. एक मिनट में सुपीरियर वेना केवा और इंफीरियर वेना केवा से आने वाली ब्लड राइट एट्रियम में जितना भी अमाउंट ऑफ द ब्लड एंटर होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, वीनस रिटर्न कहते हैं. सो अल्टीमेटली इन्फ्लक्स का रेट वीनस रिटर्न होता है, और आउटफ्लक्स का या फिर इफ्लक्स का जो रेट होता है उसे हम लोग कार्डियक आउटपुट कहते हैं. ये सिंपल डेफिनेशन है. फिर हम लोग बात करते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग कार्डियक आउटपुट. कौन कौन से फैक्टर्स होंगे जो कि अफेक्ट करेंगे कार्डियक आउटपुट को. कार्डियक आउटपुट को अफेक्ट करने वाले नॉर्मल फैक्टर्स, जैसे एज अफेक्ट करता है कार्डियक आउटपुट को, साइज ऑफ द बॉडी पे डिपेंड करता है कार्डियक आउटपुट, लेवल ऑफ द बॉडी मेटाबॉलिज्म पे डिपेंड करता है कार्डियक आउटपुट, वेदर द पर्सन इज एक्सरसाइजिंग और रेस्टिंग इस पे डिपेंड करता है कार्डियक आउटपुट, एंड पोस्टरल वेरिएशन पे डिपेंड करता है. पोस्टरल वेरिएशन में सबसे ये एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आ जाता है पोस्टरल वेरिएशन का, जिसमें बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, जैसे ऑन इमीडिएट स्टैंडिंग कौन से फैक्टर पे क्या इफेक्ट पड़ेगा. तो जैसे ऐसे आ जाता है ऑन इमीडिएट स्टैंडिंग व्हाट हैपेंस टू कार्डियक आउटपुट, तो इसका आंसर होता है कि इमीडिएट स्टैंडिंग पे क्योंकि वीनस रिटर्न कम होगा ड्यू टू ग्रेविटी, जैसे ही इमीडिएटली हम लोग स्टैंड करेंगे तो ग्रेविटी जो होगा वो वीनस रिटर्न मतलब इंफीरियर वेना केवा और सुपीरियर वेना केवा से जो ब्लड जा रहा है किसके अंदर, राइट एट्रियम के अंदर. तो ये जो ब्लड जो ऊपर की तरफ जाता है, ठीक है ना, वीनस रिटर्न के लिए, तो ग्रेविटी की वजह से ये वीनस रिटर्न कम हो जाएगा, और वीनस रिटर्न कम हो जाएगा तो सिंपल से बात है कार्डियक आउटपुट भी कम हो जाएगा, क्योंकि वीनस रिटर्न और कार्डियक आउटपुट के बीच में डायरेक्ट रिलेशन होता है. ये हम लोग आगे पढ़ेंगे कैसे, ठीक है. इसके बाद फिर हम लोग आ जाते हैं कार्डियक इंडेक्स रेशियो के बारे में, एक नया टर्म हो जाता है. कार्डियक इंडेक्स रेशियो क्या है, तो कार्डियक इंडेक्स रेशियो इज द कार्डियक आउटपुट पर स्क्वायर मीटर ऑफ द बॉडी सरफेस एरिया. मतलब देखो कार्डियक आउटपुट जो होता है वो बॉडी सरफेस एरिया के साथ वेरी करता है, और कार्डियक आउटपुट और बॉडी सरफेस एरिया को रिलेट करते हुए एक नया टर्म डिफाइन होता है कार्डियक इंडेक्स रेशियो, जो कि इन दोनों टर्म्स को एक साथ रिलेट करता है. सो कार्डियक इंडेक्स रेशियो इज कार्डियक आउटपुट पर स्क्वायर मीटर ऑफ बॉडी सर्फेस एरिया. सो इन ए नॉर्मल रिजल्ट ऑफ 70 kg, ठीक है ना, ये जो बॉडी सर्फेस एरिया होता है वो 1.7 मीटर स्क्वायर होता है, और कार्डियक आउटपुट 5 लीटर पर मिनट होता है, तो कार्डियक इंडेक्स रेशियो जो हो जाता है वो 3.2 लीटर पर मिनट पर मीटर स्क्वायर हो जाता है. ये यूनिट भी इंपॉर्टेंट है. तो ये 3.2 लीटर पर मिनट पर मीटर स्क्वायर एक नॉर्मल एडल्ट के अंदर, जो कि 70 केजी का वेट होता है, उसका कार्डियक इंडेक्स रेशियो हो जाता है. इस कार्डियक इंडेक्स रेशियो को एज के साथ वेरी करते हुए हम लोग देखते हैं, जैसे ही बर्थ होता है उससे लेकर के 10 ईयर ऑफ एज तक, ठीक है ना, ये जो कार्डियक इंडेक्स रेशियो होता है वो 2.5 से 4 तक इंक्रीज होता है. उसके बाद फिर ये 10 ईयर ऑफ एज के बाद ये क्या होता है, डिक्रीज होना शुरू होता है, और 80 ईयर तक 2.5 लीटर पर मिनट पर मीटर स्क्वायर रहता है. तो नॉर्मल एडल्ट के अंदर इसकी वैल्यू कितनी होती है, 3.2 लीटर पर मिनट पर मीटर स्क्वायर होती है, एक नॉर्मल वैल्यू होती है कार्डियक इंडेक्स रेशियो की. इसके बाद हम लोग आ जाते हैं सेकंड पार्ट जिसको हमने स्टार्ट करना है, वो है रेगुलेशन ऑफ कार्डियक आउटपुट. रेगुलेशन ऑफ द कार्डियक आउटपुट समझने के लिए हम लोग कहेंगे कि कार्डियक आउटपुट होता क्या था, स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू हार्ट रेट. तो ऐसे कौन कौन से फैक्टर होंगे जिसमें कार्डियक आउटपुट डिपेंड करेगा, तो जो फैक्टर्स स्ट्रोक वॉल्यूम को अफेक्ट करेंगे और जो फैक्टर हार्ट रेट को अफेक्ट करेंगे वो कार्डियक आउटपुट को भी अफेक्ट करेंगे. अब स्ट्रोक वॉल्यूम को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं, प्रीवियस वीडियो में जिसमें प्रीलोड आफ्टर लोड और फ्रैंक स्टार्डी लॉ पढ़ाया गया था, उसमें हमने बताया था कि स्ट्रोक वॉल्यूम को अफेक्ट करते हैं, को अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स होते हैं कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द हार्ट, प्रीलोड एंड आफ्टर लोड. सो अल्टीमेटली कार्डियक आउटपुट को अफेक्ट करने वाले ये चार फैक्टर्स हम लोग को साफ दिख रहे हैं, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द हार्ट, प्रीलोड, आफ्टर लोड एंड हार्ट रेट. इसके अलावा तीन फैक्टर्स और होते हैं. सो अल्टीमेटली कार्डियक आउटपुट को पांच फैक्टर्स रेगुलेट करते हैं, पांच मेगा फैक्टर्स होते हैं जो कि रेगुलेट करते हैं. बाकी कुछ एडिशनल फैक्टर्स भी हम लोग पढ़ेंगे, जैसे टेम्परेचर होता है, पोटेशियम एंड कैल्शियम आयंस होते हैं, तो कुछ आयंस होते हैं, ठीक है, कुछ हार्मोन्स होते हैं, वो भी इफेक्ट करते हैं, ठीक है. सो फैक्टर्स रेगुलेटिंग फैक्टर्स फॉर द कार्डियक आउटपुट, टोटल 7 फैक्टर्स यहाँ पे दिखाए गए हैं. सबसे पहले है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द हार्ट,
जो कि स्ट्रोक वॉल्यूम को इफेक्ट करते हुए कार्डियक आउटपुट को इफेक्ट करता है, प्रीलोड जो कि स्ट्रोक वॉल्यूम के थ्रू कार्डियक आउटपुट को इफेक्ट करता है, आफ्टरलोड जो कि स्ट्रोक वॉल्यूम के थ्रू कार्डियक आउटपुट को इफेक्ट करता है, हार्ट रेट जो कि डायरेक्टली कार्डियक आउटपुट को इफेक्ट करता है, टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस एक फैक्टर हो जाता है, वीनस रिटर्न हो जाता है, और सिंपेथेटिक एंड पैरासिंपेथेटिक स्टिमुलेशन। इसमें से वीनस रिटर्न जो होता है वो हार्ट रेट और प्रीलोड के थ्रू किसको इफेक्ट करता है, कार्डियक आउटपुट को इफेक्ट करता है। सो अल्टीमेटली ये फैक्टर्स इनके थ्रू किसको इफेक्ट करते हैं, कार्डियक आउटपुट को इफेक्ट करते हैं। तो अल्टीमेटली ये पांच फैक्टर्स ही मेन फैक्टर्स हैं, कॉन्ट्रेक्शन ऑफ द हार्ट, प्रीलोड, आफ्टरलोड, हार्ट रेट और टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस। वीनस रिटर्न जो हो जाएगा वो तो हार्ट रेट और प्रीलोड के थ्रू किसको इफेक्ट करेगा, कार्डियक आउटपुट पर। सिंपेथेटिक एंड पैरासिंपेथेटिक स्टिमुलेशन वो हार्ट रेट और कॉन्ट्रेक्शन ऑफ द हार्ट के थ्रू किसको इफेक्ट करेगा, कार्डियक आउटपुट को इफेक्ट करेगा। तो ये हो जाता है रेगुलेशन ऑफ द कार्डियक आउटपुट में। ये कंक्लूजन है एक्चुअली में जो हम लोग ड्राइव करेंगे, और इन सब चीजों को हम लोग वन बाय वन पढ़ेंगे कि कैसे ये फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग आ जाते हैं, सबसे पहले फैक्टर कॉन्ट्रेक्शन ऑफ द हार्ट और उसके फिर प्रीलोड और आफ्टरलोड। ये पिछले वीडियो में हम लोग पढ़ा चुके हैं, इसलिए इसको जल्दी से खत्म करेंगे कि कॉन्ट्रेक्शन हमेशा, कॉन्ट्रेक्शन ऑफ द हार्ट अगर ज्यादा होगा, हार्ट अगर ज्यादा तेज कॉन्ट्रैक्ट करेगी तो उसमें से जो इजेक्ट करने वाला जो वॉल्यूम होगा वो ज्यादा होगा, जिस वजह से स्ट्रोक वॉल्यूम ज्यादा होगा, और स्ट्रोक वॉल्यूम ज्यादा होगा तो कार्डियक आउटपुट भी ज्यादा होगा, क्योंकि कार्डियक आउटपुट इज इक्वल टू स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू हार्ट रेट। ठीक है, प्रीलोड भी हम लोग जानते हैं, प्रीलोड अल्टीमेटली कुछ नहीं होता है, वो एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम होता है, इसके बारे में भी हम लोग पढ़ चुके हैं। प्रीलोड अगर बढ़ेगा तो एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम बढ़ेगा, एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम बढ़ेगा तो फ्रैंक स्टार्टिंग लॉ की वजह से फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन बढ़ेगा, क्योंकि एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम बढ़ेगा तो सिंपल सी बात है कि वेंट्रिकल्स का स्ट्रेचिंग, मतलब वेंट्रिकल्स के कार्डिक मसल्स का स्ट्रेचिंग बढ़ेगा, और इनिशियल लेंथ ऑफ द मसल बढ़ने पर कॉन्ट्रेक्शन का फोर्स बढ़ जाता है, जिसको फ्रैंक स्टार्टिंग लॉ कहते हैं, इसके थ्रू फोर्स ऑफ कॉन्ट्रेक्शन बढ़ जाएगा, और फोर्स ऑफ कॉन्ट्रेक्शन अगर बढ़ेगा तो इजेक्शन ज्यादा होगा, तो सिंपल सी बात है स्ट्रोक वॉल्यूम भी बढ़ जाएगा। सो प्रीलोड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रोक वॉल्यूम, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कार्डियक आउटपुट। नेक्स्ट हम लोग आफ्टरलोड कहते हैं, आफ्टरलोड भी हमारा पढ़ा हुआ है कि आफ्टरलोड जो होता है वो aortic प्रेशर या फिर रेजिस्टेंस को डिफाइन करता है। अगर आफ्टरलोड इंक्रीज होगा तो सिंपल सी बात है aortic प्रेशर इंक्रीज होगा, तो सिंपल सी बात है रेजिस्टेंस फॉर इजेक्शन इंक्रीज होगा, और रेजिस्टेंस फॉर इजेक्शन अगर इंक्रीज हो जाएगा, अगर इजेक्शन के लिए रेजिस्टेंस ज्यादा, इजेक्शन में रेजिस्टेंस ज्यादा उसको देखना पड़ रहा है, इस वजह से क्या होगा कि स्ट्रोक वॉल्यूम कम हो जाएगा। सो आफ्टरलोड इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रोक वॉल्यूम, और अगर स्ट्रोक वॉल्यूम के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है तो कार्डियक आउटपुट के भी ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। सो ये फैक्टर्स, तीन फैक्टर तो हम लोग जो कि पढ़ चुके थे पहले ही, वो फैक्टर्स हो जाते हैं। फोर्थ फैक्टर जो हो जाता है वो हो जाता है हार्ट रेट। ठीक है ना, हार्ट रेट क्या होता है, तो हार्ट रेट भी सिंपल सी बात है, क्योंकि कार्डियक आउटपुट इज इक्वल टू स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू हार्ट रेट होता है, तो हार्ट रेट का डायरेक्ट रिलेशन होता है कार्डियक आउटपुट के साथ। सो हार्ट रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कार्डियक आउटपुट। हार्ट रेट कार्डियक आउटपुट को कैसे इफेक्ट करता है, थ्रू सिंपेथेटिक एंड वेगल स्टिमुलेशन, जिसको हम लोग लास्ट वाले फैक्टर में और डिटेल में पढ़ेंगे। सिंपेथेटिक स्टिमुलेशन की वजह से हार्ट रेट इंक्रीज होता है, जिसकी वजह से कार्डियक आउटपुट इंक्रीज होता है। वेगल स्टिमुलेशन की वजह से हार्ट रेट डिक्रीज होता है, जिसकी वजह से कार्डियक आउटपुट डिक्रीज होता है। नेक्स्ट फैक्टर दैट वी आर गोइंग टू कवर इज वीनस रिटर्न। वीनस रिटर्न जो होता है वो कार्डियक आउटपुट को दो फैक्टर्स के थ्रू इफेक्ट करता था, जो कि हमने पढ़ा था। ये रहा वो वाला क्या कहते हैं मेन कॉन्क्लूजन चार्ट, जिसमें हमने कहा था कि जो वीनस रिटर्न होता है ये हार्ट रेट और प्रीलोड के थ्रू हम लोग कहते हैं कि कार्डियक आउटपुट को इफेक्ट करता है। सो वीनस रिटर्न कैसे इफेक्ट करेगा प्रीलोड और हार्ट रेट के थ्रू, तो वीनस रिटर्न क्या करता है, सबसे पहले वीनस रिटर्न जो होता है वो प्रीलोड को इफेक्ट करता है। प्रीलोड जो होता है वो थ्रू फ्रैंक स्टार्टिंग लॉ कार्डियक आउटपुट को इफेक्ट करता है, और वीनस रिटर्न जो होता है दूसरा काम क्या करता है, साफ साफ स्ट्रेचिंग ऑफ द राइट एट्रियम को भी इफेक्ट करता है, जिसकी वजह से थ्रू बेनब्रिज रिफ्लेक्स कार्डियक आउटपुट को इफेक्ट करता है। अब इन दोनों चीजों को हम लोग आराम से समझेंगे। सबसे पहले प्रीलोड को कैसे इफेक्ट किया, जिसकी वजह से कार्डियक आउटपुट इंक्रीज हुआ। वीनस रिटर्न अगर इंक्रीज होगा, मतलब इंफीरियर वेना केवा और सुपीरियर वेना केवा से आने वाले जो ब्लड है वो राइट एट्रियम के अंदर जो ब्लड आ रहा है उसका वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, तो सिंपल सी बात है राइट एट्रियम में आने वाला ब्लड इंक्रीज होगा। सिंपल सी बात है राइट वेंट्रिकल, उसके बाद फिर वहां से राइट वेंट्रिकल में जाने वाला ब्लड इंक्रीज हो गया, वहां से पल्मोनरी सर्कुलेशन दैट इज लंग्स में जाने वाला ब्लड इंक्रीज हो गया, वहां से लेफ्ट एट्रियम में आने वाला ब्लड इंक्रीज हो गया, और लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में भी आने वाला ब्लड इंक्रीज हो गया। लेफ्ट वेंट्रिकल में जो ब्लड एट द लास्ट ऑफ द एट द एंड ऑफ द डायस्टोल बचता है उसको लोग एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम कहते हैं। सो एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम जो हो गया हमारा इंक्रीज हो गया। अब अगर इंक्रीमेंट इन द एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम हो गया है तो एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम को हम लोग प्रीलोड कहते हैं, तो ये भी इंक्रीज हो गया। अब प्रीलोड का इंक्रीज होना, प्रीलोड का इंक्रीज होता है, प्रीलोड अगर इंक्रीज होता है या फिर एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम इंक्रीज होता है तो सिंपल से बात है स्ट्रेचिंग ऑफ द कार्डिक मसल हो जाता है, और ये इंक्रीज्ड इनिशियल लेंथ ऑफ द कार्डिक मसल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कॉन्ट्रेक्शन ऑफ द हार्ट। तो सिंपल से बात है कॉन्ट्रेक्शन ऑफ द हार्ट इंक्रीज हो जाएगा, और इसके वजह से इजेक्शन ज्यादा होगा, जिसकी वजह से स्ट्रोक वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा, जिसकी वजह से कार्डियक आउटपुट भी इंक्रीज हो जाएगा। सो अल्टीमेटली क्या हुआ कि ये जो वीनस रिटर्न हुआ वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया कार्डियक आउटपुट। हमने वीनस रिटर्न इंक्रीज किया था जिसकी वजह से कार्डियक आउटपुट इंक्रीज हो गया। ठीक है, ये पहला रीजन था जिसकी वो उसका रीजन क्या था,
प्रीलोड के कारण, क्योंकि प्रीलोड इंक्रीज हो गया, क्योंकि वीनस रिटर्न इंक्रीज हुआ उस वजह से प्रीलोड इंक्रीज हुआ, और प्रीलोड इंक्रीज हुआ तो फ्रैंक स्टार्लिंग लॉ के थ्रू कार्डियक आउटपुट इंक्रीज हो गया। ये फर्स्ट चीज हो जाता है जो कि वीनस रिटर्न को, वीनस रिटर्न का डायरेक्ट रिलेशन कार्डियक आउटपुट के साथ प्रूव करता है। सेकेंड हम लोग कहते हैं कि दूसरा केस क्या होता है, जिसके अंदर हम लोग कहते हैं कि दूसरा एक और कारण होता है जिसकी वजह से कार्डियक आउटपुट इंक्रीज होता है वीनस रिटर्न के इंक्रीज होने पर। यहाँ पे हम लोग यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं कि वीनस रिटर्न मान लीजिए इंक्रीज हो गया। अगर वीनस रिटर्न इंक्रीज होगा तो सिंपल सी बात है कि स्ट्रेचिंग ऑफ द राइट एट्रियम होगा, क्योंकि राइट एट्रियम में आने वाला वीनस ब्लड इंक्रीज हो गया है तो उसका स्ट्रेचिंग होगा राइट एट्रियम का, तो स्ट्रेचिंग ऑफ द राइट एट्रियम इंक्रीज हो गया। ये स्ट्रेचिंग ऑफ द राइट एट्रियम क्या करता है, इनिशिएट करता है कुछ नर्वस रिफ्लेक्सेस को। मतलब स्ट्रेचिंग ऑफ द राइट एट्रियम सिंपल सी बात है, देखिए इस डायग्राम के थ्रू जिसको हम लोग बेन ब्रिज रिफ्लेक्स कहते हैं, इसको डायग्राम के थ्रू समझते हैं। ये हार्ट है हमारे पास, ये हमारे पास राइट एट्रियम है, राइट एट्रियम में हमने वीनस रिटर्न जो हो गया वो इंक्रीज कर दिया, इंफीरियर वेना के पास सुपीरियर वेना के पास आने वाले जो ब्लड होता है उसको इंक्रीज कर दिया। इंक्रीज के तो सिंपल सी बात है, ये देखिए यहां पे स्ट्रेचिंग ऑफ द राइट एट्रियम होगा क्योंकि यहां पे ब्लड इंक्रीज हो गया। स्ट्रेचिंग ऑफ द राइट एट्रियम होने की वजह से यहां से क्या जाता है, कुछ नर्वस रिफ्लेक्सेस जाते हैं, कहां की तरफ जाते हैं, वेसोमोटर सेंटर ऑफ द ब्रेन में जाते हैं। वेसोमोटर सेंटर ऑफ द ब्रेन में जैसे ही नर्वस रिफ्लेक्सेस पहुंचते हैं, वहां से फिर कुछ नर्व फिर वहां से ब्रेन अपना एक नर्व रिफ्लेक्स भेजता है जिस जो कि सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन और पैरासिंपैथेटिक इनहिबिशन करवाता है। सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन करवाएगा तो हार्ट रेट इंक्रीज होगा, पैरासिंपैथेटिक इनहिबिशन करवाएगा तो भी हार्ट रेट इंक्रीज होगा, क्योंकि पैरासिंपैथेटिक स्टिमुलेशन जो होता है वो हार्ट रेट को डिक्रीज करता है, लेकिन पैरासिंपैथेटिक इनहिबिशन जो होता है वो क्या करता है, हार्ट रेट को इंक्रीज करता है। सो सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन और पैरासिंपैथेटिक इनहिबिशन के थ्रू ये वेसोमोटर सेंटर ऑफ द ब्रेन जो होगा वो क्या करवा देगा, हार्ट रेट को भी इंक्रीज करवा देगा और कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द हार्ट को भी इंक्रीज करवा देगा, जिसकी वजह से कार्डियक आउटपुट इंक्रीज हो जाएगा और ये रिलेशन प्रूफ हो जाएगा, दैट इज वीनस रिटर्न इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कार्डियक आउटपुट। सो वीनस रिटर्न कार्डियक आउटपुट को जो इफेक्ट करता है, इसके दो कारण हमने पता है, सबसे पहले प्रीलोड के थ्रू किया था, सबसे पहले इसने प्रीलोड के थ्रू किया था थ्रू फ्रैंक स्टार्लिंग लॉ, जिसमें उसने कार्डियक ये सबसे पहले उसने प्रीलोड के थ्रू किया था जो कि फ्रैंक स्टार्लिंग लॉ जो कि हम लोग कहते हैं कार्डियक आउटपुट को इंक्रीज कर रहा था, और सेकंड उसने किसके थ्रू किया, तो हम लोग कहते हैं स्ट्रेचिंग ऑफ द राइट एट्रियम के थ्रू किया, जिसमें हम लोग कहते हैं कि उसका फाइनली कार्डियक आउटपुट इंक्रीज हो गया वीनस रिटर्न इंक्रीज होने से। तो ये पूरा का पूरा बेन ब्रिज रिफ्लेक्स होता है, ये जो रिफ्लेक्स इसने भेजा ना इसको, ये रिफ्लेक्स जो था वो बेन ब्रिज रिफ्लेक्स था, तो ये पूरा बेन ब्रिज रिफ्लेक्स हमने पाया। ठीक है, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट फैक्टर पढ़ेंगे जो कि सिक्स्थ फैक्टर होगा हमारे पास, जो कि सिक्स्थ फैक्टर होगा हमारा, ये तो यहाँ तक हमने पांच फैक्टर कंप्लीट कर लिए, यहाँ तक हमने पांच फैक्टर कंप्लीट कर लिए वीनस रिटर्न तक। इसके बाद सिक्स्थ फैक्टर होगा टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस। टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस कार्डियक आउटपुट पे कैसे इफेक्ट होता है, तो कार्डियक आउटपुट जो होता है वो इनवर्स रिलेशन शो करता है टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस से। टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस अल्टीमेटली में वही रेजिस्टेंस है जो कि हार्ट को छोड़ करके जो बाकी बॉडी के अंदर जो आर्टरीज वेन्स और वेसल्स हैं वो जो रेजिस्टेंस अप्लाई करती हैं वो टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस है। एक्चुअल रिलेशन होता है कार्डियक आउटपुट इज इक्वल टू आर्टेरियल प्रेशर डिवाइडेड बाय टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस। मींस अगर आर्टेरियल प्रेशर को हम लोग कांस्टेंट रखते हैं तो कार्डियक आउटपुट अगर इंक्रीज करेंगे तो टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस डिक्रीज हो जाएगा। अब इस रिलेशन को बहुत अच्छे से समझने के लिए वही उसी को उस ग्राफ के रूप में हमने दिखा दिया कि अगर मीन आर्टेरियल प्रेशर को हमने कांस्टेंट रखा और अगर टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस 100 यूनिट्स का था, उसके बाद अगर हम लोग टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस इंक्रीज करवाते हैं तो कार्डियक आउटपुट डिक्रीज होता है, और उसके पहले अगर टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस कम करते हैं तो कार्डियक आउटपुट इंक्रीज करता है। इस रिलेशन को और अच्छे से समझने के लिए हमें आर्टेरियल प्रेशर और टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस और कार्डियक आउटपुट का रिलेशन अच्छे से समझना पड़ेगा। उसके लिए हम लोग इस डायग्राम का हेल्प लेंगे, वो समझने के लिए हम लोग इस डायग्राम का हेल्प लेंगे, इस डायग्राम के अकॉर्डिंग, ठीक है ना, इस डायग्राम का हेल्प लेंगे। इस डायग्राम के अकॉर्डिंग हम कहते हैं, इस डायग्राम के अकॉर्डिंग क्या होता है कि जैसे सपोज के लिए सबसे पहले हम लोग कहते हैं कि जो ब्लड फ्लो हो रहा है हमारे बॉडी में वो कार्डियक आउटपुट है। ये कार्डियक आउटपुट वाला जो ब्लड फ्लो हो रहा है, इसके बाद फिर हम लोग दो केसेस लेते हैं कि अगर हमारा अगर वेसो कंस्ट्रिक्शन हो जाए हमारे बॉडी के वेसल्स का, और अगर वेसो डायलेशन हो गया हमारे बॉडी वेसल्स का। ठीक है, अगर वेसो कंस्ट्रिक्शन होगा तो इसका डायमीटर कम हो जाएगा, अगर डायमीटर कम हो जाएगा तो इस ब्लड फ्लो को अपोजिशन ज़्यादा सहना पड़ेगा, अगर अपोजिशन ज़्यादा सहना पड़ेगा तो टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाएगा। यहाँ पे वैसो डायलेशन अगर हो जाए हमारे बॉडी में वेसल्स का, जिस वजह से क्या होगा कि ब्लड फ्लो बहुत ही इजी हो जाएगा, और अगर ब्लड फ्लो बहुत ही इजी हो जाएगा तो टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, सो एक रिलेशन होता है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, दैट इज कार्डियक आउटपुट मल्टीप्लाइड बाय टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस इज इक्वल टू मीन आर्टेरियल प्रेशर। सिंपल सी बात है कि कार्डियक आउटपुट जो कि फ्लो है उसको अगर उसके रेजिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर दे तो हमें मीन आर्टेरियल प्रेशर मिल जाएगा, कि मीन आर्टेरियल प्रेशर क्या लग रहा है पूरे बॉडी के आर्टरीज में। ठीक है, अब ये जो मीन आर्टेरियल प्रेशर है इस पे फ्लक्चुएशन हमें देखना है। मान लीजिए कि टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस फ्लक्चुएट किया, कैसे फ्लक्चुएट करेगा, वैसो कंस्ट्रक्शन या फिर वैसो डायलेशन से टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस फ्लक्चुएट किया। अगर टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस के अंदर फ्लक्चुएशन होगा तो क्या मीन आर्ट, और हमने कार्डियक आउटपुट कांस्टेंट रखा है
तो हमारा मीन आर्टेरियल प्रेशर भी फ्लक्चुएट होगा। अल्टीमेटली हमारे बॉडी का गोल होता है कि वो मीन आर्टेरियल प्रेशर कांस्टेंट रखे। तो अगर टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस फ्लक्चुएट हुआ है तो मीन आर्टेरियल प्रेशर भी फ्लक्चुएट होगा। तो हमारे बॉडी का काम है कार्डिक आउटपुट को क्या करना, फ्लक्चुएट करना, ताकि अगर ये इंक्रीज हुआ है तो अगर टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस इंक्रीज हुआ है और मीन आर्टेरियल प्रेशर कांस्टेंट रखना है तो कार्डिक आउटपुट को हमारा बॉडी डिक्रीज कर देगा। या फिर अगर टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस डिक्रीज हुआ है और मीन आर्टेरियल प्रेशर को कांस्टेंट रखना है तो हमारा कार्डिक आउटपुट को बॉडी क्या कर देगा, इंक्रीज कर देगा। अब क्या ये होता कैसे है ये समझते हैं, ठीक है ना। तो सिंपल सी बात है, हमने टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस को इफेक्ट किया जिससे मीन आर्टेरियल प्रेशर फ्लक्चुएट हुआ। अब ये जो मीन आर्टेरियल प्रेशर जो कि आर्टरीज पे मीन प्रेशर लग रहा है, जैसे ये फ्लक्चुएट होगा तो कुछ बॉडी में हमारे बैरो रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं, बॉडी में हमारे कुछ बैरो रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं। ये बैरो रिसेप्टर्स को ये क्या करता है, स्टिमुलेट करता है, जो कि अल्टीमेटली ब्रेन स्टेम या फिर मेड्यूला ओब्लंगाटा तक सिग्नल्स देते हैं। अब ये ब्रेन स्टेम या फिर मेड्यूला ओब्लंगाटा जो होता है ये यहाँ से नर्वस सिस्टम का रोल शुरू होता है। यहाँ से ब्रेन स्टेम या फिर मेड्यूला ओब्लंगाटा जो होता है अपना नर्वस स्टिमुलेशन भेजते हैं कहाँ पे, वीनस रिटर्न को, जो कि वीनस रिटर्न को इफेक्ट करके, प्रीलोड को इफेक्ट करके, स्ट्रोक वॉल्यूम को इफेक्ट करके कार्डियक आउटपुट को इफेक्ट करता है। हमें पता था कार्डियक आउटपुट पे हार्ट रेट और स्ट्रोक वॉल्यूम पे डिपेंड करता है, और स्ट्रोक वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन, प्रीलोड और आफ्टर लोड पे इफेक्ट करता है, और ये वीनस रिटर्न जो होता है वो प्रीलोड के थ्रू स्ट्रोक वॉल्यूम को इफेक्ट करता है, ठीक है। सो सिंपली ये क्या करेगा कि ब्रेन स्टेम क्या होगा, जैसे ही फ्लक्चुएशन ऑफ द मीन आर्टेरियल प्रेशर होगा, ठीक है ना, अब उस अकॉर्डिंग क्या कर देगा, वीनस रिटर्न को ये क्या कर देगा, फ्लक्चुएट करेगा। और किसको फ्लक्चुएट करेगा, कॉन्ट्रैक्शन को फ्लक्चुएट करेगा। और किसको फ्लक्चुएट करेगा ये ब्रेन स्टेम, हार्ट रेट को फ्लक्चुएट करेगा। और फिर वैसो अगर वैसो कंस्ट्रिक्शन हुआ तो वैसो डायलेशन करवा देगा, अगर वैसो डायलेशन हुआ था तो वैसो कंस्ट्रक्शन करवा देगा। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग मान लेते हैं कि टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस इंक्रीज हुआ था, तो टोटल पेरिफेरल इंक्रीज हुआ था तो हमें मीन आर्टेरियल प्रेशर कांस्टेंट रखने के लिए कार्डियक आउटपुट को डिक्रीज करना था। उसके लिए क्या किया कि जो बैरो रिसेप्टर, उसके लिए क्या किया कि जैसे ही बैरो रिसेप्टर एक्टिवेट हुए जो कि ब्रेन स्टेम के पास गए, उसने क्या किया, उसका अल्टीमेट गोल था कार्डियक आउटपुट को डिक्रीज करना। तो उसने क्या किया, सबसे पहले वीनस रिटर्न को डिक्रीज कर दिया, क्योंकि ये वीनस रिटर्न जो होता है डायरेक्ट रिलेशन शो करता है कार्डियक आउटपुट के साथ, तो सिंपल से बताया कार्डियक आउटपुट कम हो जाएगा। फिर उसने क्या किया, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द हार्ट को डिक्रीज कर दिया, जो कि डायरेक्ट रिलेशन शो करता है कार्डियक आउटपुट के साथ, तो सिंपल से बताया ये भी कार्डियक आउटपुट को डिक्रीज कर देगा। फिर उसने हार्ट रेट के साथ डायरेक्ट रिलेशन शो, डायरेक्ट हार्ट रेट को कम किया, जिसने कार्डियक आउटपुट को क्या कर दिया, डिक्रीज कर दिया। और क्योंकि टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस इंक्रीज हुआ था, मतलब सिंपल से बात है कि वैसो कंस्ट्रक्शन हुआ था, तो उसने क्या करवा दिया, वैसो डायलेशन करवा दिया। सो अल्टीमेटली हमारा मीन आर्टेरियल प्रेशर कांस्टेंट रहा। ये अल्टीमेटली एक बात हो जाता है कि मीन आर्टेरियल प्रेशर होता गया, सो इट इज जस्ट कार्डियक आउटपुट टाइम्स टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस गिव्स अस मीन आर्टेरियल प्रेशर। अब हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं कि ये नर्वस सिस्टम का एक ये आता है, नर्वस सिस्टम का क्या रोल होता है इन मेंटेनिंग मीन आर्टेरियल प्रेशर, ठीक है ना। तो नर्वस सिस्टम कैसे रोल प्ले करता है ये जानने के लिए हम लोग फिर से एक बार इसको देखेंगे। हमने ये रिलेशन पढ़ा था, कार्डियक आउटपुट टाइम्स टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस इज इक्वल टू मीन आर्टेरियल प्रेशर। अब वैसोडाइलेशन का अगर केस था, अगर हमने वैसोडाइलेशन किया, ठीक है, एक केस समझते हैं, वैसोडाइलेशन किया इन द प्रेजेंस ऑफ नर्वस कंट्रोल, ठीक है, वैसोडाइलेशन किया, या तो डाइनाइट्रोफिनोल के थ्रू कर दो या तो एक्सरसाइज के थ्रू वैसोडाइलेशन हो जाता है। वैसोडाइलेशन हुआ, वेसल्स का जो डायमीटर था वो इंक्रीज हुआ, टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस कम हुआ, टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस कम हुआ, इन द प्रेजेंस ऑफ द नर्वस कंट्रोल क्या होगा, कार्डियक आउटपुट इंक्रीज हो जाएगा। सिंपल सी बात है कि अगर टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस कम होता है, यहाँ देख सकते हैं, अगर टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस में कोई भी फ्लक्चुएशन होता है तो ये ब्रेन स्टेम नर्वस कंट्रोल के ही तो थ्रू क्या करता है, फिर से कार्डियक आउटपुट को बढ़ा देता है, जिसकी वजह से मीन आर्टेरियल प्रेशर कॉन्स्टेंट रहता है। पर यहाँ पे नर्वस सिस्टम है ही नहीं, यहाँ पे नर्वस सिस्टम है, सॉरी, इन द प्रेजेंस ऑफ नर्वस सिस्टम, सो नर्वस कंट्रोल, सो क्या हो जाएगा, कार्डियक आउटपुट को ये क्या करवा देगा, इंक्रीज करवा देगा। तो सिंपल सी बात है कि एक क्वांटिटी डिक्रीज हो रही थी, एक क्वांटिटी इंक्रीज हो रही है, अगर ये 4 times डिक्रीज हो रही थी, ये भी 4 times इंक्रीज हो रही है, तो सिंपल सी बात है क्या, मीन आर्टेरियल प्रेशर कांस्टेंट रहेगा। तो मीन आर्टेरियल प्रेशर कांस्टेंट रहा। ये नर्वस कंट्रोल क्या क्या होता है, तो हमको पता है नर्वस कंट्रोल क्या क्या होता है, तो हम लोग कहते हैं कार्डियक आउटपुट को इंक्रीज करने के लिए हार्ट रेट हो जाता है, वीनस रिटर्न के थ्रू प्रीलोड हो जाता है, और कॉन्ट्रेक्शन ऑफ द हार्ट हो जाता है, और एक और हो जाता है वैसो कंस्ट्रक्शन हो जाता है। अगर वैसो डायलेशन हो रहा था, जिसकी वजह से टीपीआर या फिर टोटल पेरिफेरल डिस्टेंस कम हो रहा था, तो वैसे कंस्ट्रक्शन करवा देगा। अब सेकंड केस करते हैं हम लोग, वैसोडाइलेशन कर रहे हैं इन द एब्सेंस ऑफ द नर्वस कंट्रोल। वैसोडाइलेशन इन द एब्सेंस ऑफ द नर्वस कंट्रोल, हमने वैसोडाइलेशन करवाया, टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस कम हो गया 4 times। अब इन द एब्सेंस ऑफ द नर्वस कंट्रोल अगर हम लोग चल रहे हैं, तो कार्डियक आउटपुट इंक्रीज होगा हल्का फल्का, लेकिन 1.6 times इंक्रीज होगा। क्योंकि नर्वस कंट्रोल नहीं है तो हम लोग क्या नहीं कर सकते, हार्ट रेट इंक्रीज नहीं कर पा रहे हैं, प्रीलोड इंक्रीज नहीं कर पा रहे हैं, कॉन्ट्रैक्शन इंक्रीज नहीं करवा पा रहे हैं, वैसो कंस्ट्रिक्शन नहीं करवा पा रहे हैं, जिस वजह से कार्डियक आउटपुट हल्का सा ही इंक्रीज होगा, दैट इज 1.6, उतना इंक्रीज नहीं होगा कि इसको वो ओवरकम कर सके। अब एक क्वांटिटी बहुत ज्यादा 4 times डिक्रीज हो रही है, एक क्वांटिटी 1.6 times से इंक्रीज हो रही है, तो ये कंप्लीटली अल्टीमेटली क्या होगी, डिक्रीज ही होगी। सो इससे हम लोग को पता चल जाता है, ये एक
एक्सपेरिमेंटल बेसिस से जैसे हम लोग को ये पता चलता है कि क्या रोल होता है नर्वस सिस्टम का इन मेंटेनिंग मीन आर्टेरियल प्रेशर। सो ये एक बात हो जाता है। अब इसी पे ग्राफ हो जाता है कि कैसे मीन आर्टेरियल प्रेशर इन द प्रेजेंस ऑफ द नर्वस सिस्टम और इन द एब्सेंस ऑफ द नर्वस सिस्टम, ये जो मीन आर्टेरियल प्रेशर हो जाता है उसका टाइम के साथ जब हम लोग ग्राफ देखते हैं तो इन द प्रेजेंस ऑफ द नर्वस सिस्टम मीन आर्टेरियल प्रेशर कांस्टेंट रहता है और इन द एब्सेंस ऑफ द नर्वस सिस्टम मीन आर्टेरियल प्रेशर कम होता जाता है। ये रेफरेंस है पिछले वाले एक्सपेरिमेंट से। फिर हम लोग कहते हैं कि कार्डियक आउटपुट जो होता है वो इन द प्रेजेंस ऑफ द नर्वस सिस्टम इंक्रीज होता है लेकिन 1.6 टाइम्स, दैट इज बहुत नहीं सॉरी इन द प्रेजेंस ऑफ द नर्वस सिस्टम ये अच्छा खासा इंक्रीज होता है, दैट इज 4 टाइम्स इंक्रीज होता है, और इन द एब्सेंस ऑफ द नर्वस सिस्टम ये इंक्रीज होता है लेकिन बहुत ही कम, दैट इज 1.6 टाइम्स ही इंक्रीज हो पाता है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं सेवेंथ वाले फैक्टर पे जो कि लास्ट फैक्टर है, दैट इज सिंपैथेटिक एंड वेगल स्टिमुलेशन। सिंपल से बात है, सिंपैथेटिक नर्व्स जो होती हैं वो हमारी हार्ट की एट्री और वेंट्रिकल्स दोनों को सप्लाई करती हैं इक्वली, ठीक है। और सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन की वजह से अल्टीमेटली दो चीज होती है, हार्ट रेट इंक्रीज होता है और कॉन्ट्रैक्शन इंक्रीज होता है। हार्ट रेट और कॉन्ट्रैक्शन इंक्रीज होने की वजह से क्या होता है, हार्ट रेट और कॉन्ट्रैक्शन इंक्रीज होगा तो सिंपल से बात है वेंट्रिकुलर पंपिंग इंक्रीज होगी, स्ट्रोक वॉल्यूम इंक्रीज होगा और कार्डिक आउटपुट इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। अब ये कैसे हार्ट रेट को इफेक्ट करता है, ये एक बात होती है कि सिंपैथेटिक नर्व जो होते हैं उसके नर्व एंडिंग से नॉरएपिनेफ्रिन रिलीज होती है। ये नॉरएपिनेफ्रिन जो होती है वो हार्ट के बीटा 1 एड्रेनर्जिक रिसेप्टर्स पे एक्ट करती है। ये रिसेप्टर्स जो होते हैं वो सोडियम और कैल्शियम की परमीएबिलिटी इंक्रीज करवा देते हैं नोडल टिश्यू के अंदर। अब सोडियम और पोटेशियम के कैल्शियम की अगर परमीएबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी तो हार्ट रेट तो इंक्रीज होगी, क्योंकि सोडियम और कैल्शियम ही क्या करवाते हैं, सोडियम और कैल्शियम चैनल जो होते हैं, हमें याद होगा कि फनी चैनल्स होते हैं जो कि सोडियम चैनल्स होते हैं और कैल्शियम चैनल जो होते हैं वो कैल्शियम टी चैनल्स होते हैं, जो कि ये दोनों जो होते हैं वो मोस्ट निगेटिव मेम्ब्रेन पोटेंशियल से उसको वहां तक पेसमेकर पोटेंशियल तक ले जाने का काम करते हैं, ठीक है। तो ये जो गैप होता है इसको क्या करवाता है, कवर करने में ये ज्यादा काम आएगा, क्योंकि सोडियम और कैल्शियम की परमेबिलिटी इंक्रीज हो गई तो आराम से सोडियम और कैल्शियम जो होगा वो कहाँ, सोडियम और कैल्शियम जो होगा वो उसका क्या होगा, इन्फ्लक्स होगा, जिसकी वजह से डीपोलराइजेशन करना ईजी होगा और हार्ट रेट जो होगा वो इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो और हार्ट रेट इंक्रीज हो जाएगा। और सेकंड काम जो सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन करवाती है वो फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन इंक्रीज करवा देती है। कोई भी चीज जो फैक्टर्स जो कोई भी फैक्टर जो कि कॉन्ट्रैक्शन का इफेक्ट करते हैं उसको आइनोट्रॉपिक फैक्टर कहते हैं। तो सिंपल सी बात है, फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन इंक्रीज होना मतलब पॉजिटिव आइनोट्रॉपी शो करती है, और ये दोनों फैक्टर मिलकर के वेंट्रिकुलर पंपिंग, ऑब्वियसली बात है हार्ट रेट इंक्रीज हो जाएगा, फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन अगर इंक्रीज हो जाएगा तो वेंट्रिकुलर पंपिंग ज्यादा होगी जिसकी वजह से स्ट्रोक वॉल्यूम ज्यादा होगा, जिसकी वजह से कार्डियक आउटपुट ज्यादा होगा। सेकंड हम लोग बात करते हैं वेगल स्टिमुलेशन की। वेगल स्टिमुलेशन, वेगल नर्व जो होती है, जैसे हमने पढ़ा था कि सिंपैथेटिक नर्व एट्री और वेंट्रिकल्स को बराबर सप्लाई करती है, वैसे वेगल नर्व सिर्फ और सिर्फ एट्रिया को सप्लाई करती है। अगर वेंट्रिकल्स को करती भी है तो बहुत ही कम सप्लाई करती है। वेगल नर्व क्या करती है, ये भी दो काम करती है, हार्ट रेट पे इफेक्ट करती है फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन पे, हार्ट रेट को कम कर देती है और फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन को भी कम कर देती है, दैट इज नेगेटिव एनोट्रॉपी होता है। हार्ट रेट पे ये ज्यादा इफेक्टिव हुई है लेकिन फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन पे कम इफेक्टिव होती है, क्योंकि फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन डिपेंड करता है वेंट्रिकल्स फ्लोरेस की, वेंट्रिकल्स की सप्लाई नहीं है, जिस वजह से ये वाला फैक्टर इसका लेस इफेक्टिव होता है। हार्ट रेट वाला फैक्टर इसका मोर इफेक्टिव होता है, क्योंकि हार्ट रेट जो होता है वो साइनस नोड या फिर ऐसे नोड की वजह से होता है जो कि एट्रिया में लोकेटेड होता है। वेगल स्टिमुलेशन में क्या होता है, जैसे ही हम लोग वेगल नर्व को स्टिमुलेट करते हैं, फिर पैरासिम्पैथेटिक स्टिमुलेशन कह सकते हैं, उसके नर्व एंडिंग से एसिटिलकोलाइन रिलीज होता है। ये एसिटिलकोलाइन पोटेशियम की परमेबिलिटी इंक्रीज कर देता है नोडल टिश्यू में। पोटेशियम की परमेबिलिटी इंक्रीज होती है तो जो पोटेशियम की इंक्रीज होती है तो जो रीपोलराइजेशन होता है वो ज्यादा होता है। वो रीपोलराइजेशन होते होते हाइपर पोलराइजेशन के स्टेट में चला जाता है। हाइपर पोलराइजेशन के स्टेट पर पहुंचते ही वो लेस एक्साइटेबल टिश्यू हो जाती है। लेस एक्साइटेबल टिश्यू होने की वजह से हार्ट रेट क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। ये फैक्टर ज्यादा इफेक्टिव होता है फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन। वैसे भी दोनों फैक्टर मिल करके अगर दोनों फैक्टर वर्क भी करें तो दोनों फैक्टर वेंट्रिकुलर पंपिंग को कम करेंगे, और वेंट्रिकुलर पंपिंग कम होगा तो स्ट्रोक वॉल्यूम भी कम हो जाएगा और कार्डियक आउटपुट भी कम हो जाएगा। ये थे टोटल 7 फैक्टर्स जो कि कार्डियक आउटपुट को इफेक्ट करते हैं। दो और एडिशनल फैक्टर्स हो जाते हैं जो कि कार्डियक आउटपुट को इफेक्ट करते हैं, वो हम लोग को पढ़ना होता है, दैट इज इफेक्ट ऑफ पोटेशियम एंड कैल्शियम आयंस। हम लोग कहते हैं कि एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड पोटेशियम आयन जो होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है वेंट्रिकुलर पंपिंग के, और एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड कैल्शियम आयन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वेंट्रिकुलर पंपिंग के। ये हम लोग हाइपरकैलेमिया और हाइपोकैलेमिया के केस से हम लोग पहला वाला केस समझेंगे। ये जो केस है ये हम लोग वैसे भी पहले पढ़ चुके हैं कि क्लिनिकल चैलेंज में ये वाला चीज हम लोग पढ़ चुके हैं, पर फिर भी अगर रिवाइज कर देते हैं, हाइपरकैलेमिया होगा तो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड पोटेशियम आयन इंक्रीज होगा तो पोटेशियम का इफ्लक्स डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि बाहर की तरफ पोटेशियम ज्यादा है और अंदर की तरफ वैसे ही ज्यादा है, तो पोटेशियम का जो इफ्लक्स होगा वो क्या होगा, डिक्रीज होगा। रीपोलराइजेशन हो जाएगा, रीपोलराइजेशन जो हो जाएगा वो भी कम हो जाएगा। मैक्सिमम नेगेटिव मेम्ब्रेन पोटेंशियल इज लेस नेगेटिव, ठीक है ना, जो मैक्सिमम नेगेटिव मेम्ब्रेन पोटेंशियल हो जाएगा वो लेस नेगेटिव होगा, जिसकी वजह से हार्ट रेट जो हो जाएगा वो कम हो जाएगा, ठीक है। और जो हाइपोकैलेमिया हो जाएगा उसमें एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड पोटेशियम जो हो जाएगा वो कम हो जाएगा, तो सिंपल सी बात है कि बाहर की तरफ पोटेशियम कम है अंदर की तरफ ज्यादा है तो पोटेशियम का इफ्लक्स बढ़ जाएगा। रीपोलराइजेशन ज्यादा होगा क्योंकि पोटेशियम का इफ्लक्स ज्यादा हो रहा है, तो हम लोग कहते हैं रीपोलराइजेशन का जो कर्व होगा वो ज्यादा नीचे आएगा, क्योंकि पोटेशियम का इफ्लक्स ही रिस्पॉन्सिबल होता है रीपोलराइजेशन के लिए। अब सिंपल सी बात है,
प्रीपोलराइजेशन ज्यादा होगा तो मैक्सिमम नेगेटिव मेम्ब्रेन पोटेंशियल इज मोर नेगेटिव, वो ज्यादा नेगेटिव हो जाएगा। मैक्सिमम नेगेटिव मेम्ब्रेन पोटेंशियल इज वही जिसको हमने नॉट ट्रू रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल कहा था, ठीक है। तो ये स्टेट को हाइपर पोलराइजेशन कहते हैं। अब हाइपर पोलराइजेशन जैसे ही हाइपर पोलराइजेशन स्टेट में जैसे ही पहुंच जाएगा, तो हमने कहा था कि हाइपोकेलेमिया के केस में अगर हाइपर पोलराइजेशन हो जाता है तो वो क्या करवा देता है, इंड्यूस कर देता है फनी चैनल्स को। फनी चैनल ज्यादा इंड्यूस हो जाएंगे तो हार्ट रेट क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो ये एक फैक्टर हो जाता है जो कि इसको इफेक्ट करता है। यही हमने कहा था कि हाइपोकैलेमिया अगर नॉर्मल क्या कहते हैं मसल या फिर नर्व के अंदर होगा तो वो हार्ट रेट को क्या करवा देगा, डिक्रीज करवा देगा, क्योंकि वहां पे हाइपर पोलराइजेशन जो होता है वो हार्ट रेट को डिक्रीज करवा देता है। पर ये हम लोग बात कर रहे हैं किसके अंदर, कार्डियक मसल के अंदर। फिर हम लोग कहते हैं कि कैल्शियम जो होता है, अब सेकंड फैक्टर जो कि कैल्शियम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेंट्रिकुलर पंपिंग, कैल्शियम आयन जो होगा वो हार्ट के कॉन्ट्रैक्शन को इंक्रीज करवा देगा, क्योंकि कॉन्ट्रैक्शन को इंक्रीज करवाने के लिए जो कैल्शियम का रिक्वायरमेंट होता है और वो कैल्शियम आयन हार्ट के कॉन्ट्रैक्शन को इंक्रीज करवा देगा। और दूसरा क्या होगा कि कैल्शियम जो होगा वो हार्ट रेट को इंक्रीज करवा देगा, क्योंकि हार्ट रेट के लिए जो डीपोलराइजेशन हो जाता है वो कैल्शियम आयन की वजह से ही होता है। एल टाइप कैल्शियम चैनल के थ्रू जो कैल्शियम का इन्फ्लक्स होता है उसके थ्रू डीपोलराइजेशन होता है, तो कैल्शियम आयन इंक्रीज होगा तो डीपोलराइजेशन भी इंक्रीज होगा। सो अल्टीमेटली ये वाला रिलेशन हम लोग प्रूव कर देते हैं और ये वाला फैक्टर क्लियर हो गया, इफेक्ट ऑफ द पोटेशियम एंड कैल्शियम आयन्स ऑन द कार्डियक आउटपुट। नाउ सेकंड फैक्टर पर हम लोग बढ़ते हैं जो कि है इफेक्ट ऑफ द टेम्परेचर ऑन द कार्डियक आउटपुट। इफेक्ट ऑफ द टेम्परेचर अगर हम लोग पढ़ने की कोशिश करें तो हम लोग कहते हैं कि टेम्परेचर जो होता है वो हार्ट रेट की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है अप टू एन एक्सटेंट। इसका क्या मतलब है कि अगर नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर से हम लोग बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज करना शुरू करते हैं तो 1 डिग्री फ़ारेनहाइट अगर बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो हार्ट रेट जो होता है वो 10 बीट्स पर मिनट इंक्रीज होता है अप टू 105 डिग्री सेल्सियस, दैट इज 40.5 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद अगर हम लोग डिग्री फ़ारेनहाइट अगर टॉप टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो बीट्स का क्या होता है, डिक्रीमेंट होता है, दैट इज हार्ट रेट डिक्रीज होना शुरू हो जाता है। सबसे पहले वाली चीज़ के रीजन को शुरू करेंगे क्यों अप टू एन एक्सटेंट टेम्परेचर इंक्रीज करने से हार्ट रेट इंक्रीज किया, और रीजन भी पढ़ेंगे क्यों उस एक्सटेंट के बाद टेम्परेचर इंक्रीज करने के बाद हार्ट रेट डिक्रीज हुआ। सबसे पहला रीजन समझते हैं रीजन ए कि हमने हीट किया मतलब बॉडी टेम्परेचर को जैसे इंक्रीज किया तो परमिएबिलिटी ऑफ द कार्डियक मसल मेम्ब्रेन टू द आयंस इंक्रीज हो जाती है। अब परमिएबिलिटी अगर इंक्रीज हो जाती है तो एक्सेलरेशन ऑफ द सेल्फ एक्साइटेशन प्रोसेस इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि आयंस का इन्फ्लक्स और रिफ्लक्स बहुत ही आसानी से हो सकता है, तो सेल्फ एक्साइटेशन प्रोसेस जो हो जाएगा वो इंक्रीज हो जाएगा जिसकी वजह से हार्ट रेट इंक्रीज हो जाएगा। सो अल्टीमेटली टेम्परेचर ने कुछ नहीं किया, बस परमिएबिलिटी ऑफ द कार्डिक मसल आयंस को इंक्रीज कर दिया, आयंस कार्डिक मसल मेम्ब्रेन को इंक्रीज कर दिया आयंस के लिए, जिसकी वजह से आयंस का इन्फ्लक्स रिफ्लक्स बहुत ईजिली हो रहा है और हार्ट रेट इंक्रीज हो जाएगा। लेकिन अगर रीजन बी हम लोग पढ़ें कि एक्सेसिव हीट हमने अगर कर दिया तो फिर क्या होगा, अगर एक्सेसिव हीट हमने कर दिया तो सिंपल से पता है प्रोटीन डी नेचुरेशन हो जाएगा। हमें पता है कि हीट जो होता है वो प्रोटीन को डी नेचर कर जाता है, तो प्रोटीन डी नेचुरेशन होने लगेगा जिसकी वजह से मसल्स का वीकनेस होने लगेगा, और मसल्स का वीकनेस होगा तो मसल्स अच्छे से कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे, मसल्स अच्छे रेट से डीपोलराइज नहीं कर पाएंगे, जिसकी वजह से हार्ट रेट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। सो ये हो जाएगा इफेक्ट ऑफ द टेम्परेचर, ये एक एडिशनल फैक्टर था जो हम लोग को पढ़ना होगा। तो हमने देखा, हमने जो जितने सारे पॉइंट्स डिस्कस करने थे, इंट्रोडक्शन टू द कार्डियक आउटपुट और रेगुलेशन ऑफ द कार्डियक आउटपुट हमने कंप्लीट कर लिया है। मेथड्स टू मेजर कार्डियक आउटपुट, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड सब्जेक्टिव क्वेश्चन और क्यूएनए ऑन पीजी एंट्रेंस एग्जाम्स और क्लिनिकल चैलेंज क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे।